नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग हमें कब करना चाहिए और इसकी क्या सही समय पीरियड है और इसके क्या फायदे होते हैं अगर हम धान की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करते हैं। और किसान भाई, एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वह क्या एनपीके 19-19 के साथ में किसी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का साथ में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो इससे क्या घाटा होता है और नहीं करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है। तो इस आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि एनपीके 19-19 का प्रयोग करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए किसान भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हैं हमारे सभी किसान भाई तक पहुँच सके। पहले हम बात करते हैं किसान भाई की एनपीके 19-19 खाद क्या है। जैसे काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है कि एनपीके 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है। 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस एंड 19% पोटाश यानी कि पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन की हम बात कर लेते हैं किसान भाई की, धान की फसल में नाइट्रोजन का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है और इसके क्या हानि अगर हम नहीं प्रयोग करते। तो किसान भाई, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि धान की आप कोई भी फसल कर रहे हो, धान की छोड़ के या धान की कर रहे हो, कोई भी फसल करो, लेकिन धान की जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं और इनका सही समय पर प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर आप सही समय पर कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करते तो अपनी धान की फसल कोई भी फसल करते हो उससे अच्छा पैदावार नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन हमारी जो धान की फसल होती है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और हमारी जो धान की फसल में पीलापन आपने देखा होगा कि धान की फसल पीली पीली दिखाई देती है तो वो नाइट्रोजन की कमी से दिखाई देती है। और दूसरा कारण ये होता है नाइट्रोजन की कमी से कि हमारा धान अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस होता है हमारी जो रूट्स होती है उनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, जैसे कि जो हमारी जड़ें होती है उनके विकास करने में काफ़ी ज़्यादा फास्फोरस कार्य करता है और काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और हमारे जो पौधे होते हैं उसको स्ट्रेस से निकालने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, जिससे काफ़ी देखा होगा आपने कि हमारा पौधा मौसम की वजह से, धूप की वजह से स्ट्रेस में आता है और उसका तना कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से पीला पीला दिखाई देता है और हमारा अच्छी तरह से टेलरिंग नहीं हो पाती है। तो उस टेलरिंग को बरकरार रखने में और उसमें स्ट्रेस को दूर करता है और दूसरा हमारे जो पौधे में तने को मजबूत करता है, टेलरिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। हमारी रूट्स अच्छी तरीके से ज़मीन में ग्रो करेंगी, हमारी जड़ अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी तो हमारी टेलरिंग भी अच्छी निकल करके आएगी। अब बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा अत्यावश्यक होता है हमारी धान की फसल के लिए, क्योंकि पोटाश एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारी ज़मीन में हमेशा कमी देखने को मिलती है पोटाश की। पोटाश की कमी से हमारे जो दाना वर्गीय फसलें होती है उनका दाना बारीक होता है, जैसे कि धान की फसल आती है और बाली में देखा होगा कि आपने 20-30% बाली खाली रह जाती है, तो पोटाश की कमी से हमारी बाली में काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है, जिस वजह से हमारी जो पैदावार निकल कर जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा 20-25% घाटा देखने को मिलता है। वो पोटाश की कमी से हमारे बाली का साइज छोटा रह जाता है और हमारा दाना चमकदार नहीं होता है, हमारा दाना काला पड़ जाता है। ये पोटाश से बहुत सारी ऐसी कमियाँ देखने को मिलती हैं। तो किसान भाई, अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। जैसे कि अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जैसे ज़मीन में देखा जाए, आज के समय पर हम फसल चक्र नहीं अपनाते काफ़ी हमारे किसान भाई, जिस वजह से कहीं ना कहीं खाद की डिफिशेंसी देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एनपीके 19-19 हो जाती है हमारी धान की फसल के लिए। तो किसान भाई, अगर आप धान की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा नाइट्रोजन की जो कमी हो रही होगी, पीला पड़ रहा होगा, अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर रहा, उस ग्रोथ को ये मेंटेन रखेगा और हमारी ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी, हमारा धान एकदम हरा भरा दिखाई देगा, खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा और अच्छी तरीके से ये वेजिटेटिव ग्रोथ में ग्रोथ करेगा। और फास्फोरस से हमारे तने को भी मजबूत करेगा, रूट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और जो पोटाश है उसमें हमारी जो बालियां जब आएंगी तो उसमें ये दाना चमकदार होगा, हमारा बाली भर कर के आएगी और हमारे दाने शुरू से लेकर ऊपर तक बाली का साइज होगा वो लंबा होगा। तो फास्फोरस का ये फ़ायदा होता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इसकी डोज हमें क्या रखना चाहिए, क्या हम इससे फंगिसाइड या कीट इंसेक्टिसाइड के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इसकी डोज क्या होती है और क्या इसका सही समय पीरियड होता है। किसान भाई, जैसे कि हमारी धान की फसल आप देख रहे हैं करीब 25 दिन की हो चुकी है और जो धान की फसल किसान भाई 25 से 30 और 35 दिन की हो जाती है तो उस समय पर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एक स्प्रे अवश्य देना चाहिए, यानी कि जो एनपीके 19-19 है तो इस समय पर हमें अवश्य देना चाहिए। जो हमारी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस समय पर एनपीके 19-19 का प्रयोग आपको अवश्य करना है। और इसकी डोज की बात कर लेते हैं किसान भाई, आपको डोज लेके आना है, एक एकड़ में आपको 1 किलोग्राम एनपीके 19-19 का प्रयोग करना है और आप साफ पानी में इसका स्प्रे करें। ये साफ पानी में करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं किसान भाइयों की हम इससे
इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में, या फंगसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, एनपीके 1919 में सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है और उसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, लेकिन कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं, हमारे कुछ किसान भाई को पता है, लेकिन मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड है उसके साथ में रिएक्शन कर जाते हैं, एक्शन रिएक्शन कर जाते हैं, तो कहीं कहीं पर इसका बहुत ही गलत रिजल्ट देखने को मिला है, कहीं कहीं पर फसलें बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि किसान भाई ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जो फास्फोरस के साथ में रिएक्शन करने वाली इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का प्रयोग कर दिया, जिस वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई। तो किसान भैया, जब भी आप इंसेक्टिसाइड एनपीके 1919 में स्प्रे करने जा रहे हैं, तो उसमें अच्छी तरीके से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में कि आपको लगे कि हाँ ये एक्शन रिएक्शन नहीं करेगा फास्फोरस के साथ में, सल्फर के साथ में, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका अलग अलग प्रयोग करें किसान भैया, तभी आप अपनी धान की फसल से अच्छा और एनपीके से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एनपीके 1919 का प्रयोग करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। दोबारा बताना चाहूँगा, आपको 1 किलोग्राम एनपीके 1919 लाना है और 1 एकड़ के लिए रोज़ है, और 150 लीटर पानी में घोल तैयार करना है और स्प्रे कर देना है। आपकी जो धान की फसल में फंगस मुक्त होगी, कीट मुक्त है, आपकी धान की फसल एकदम हरी भरी दिखाई देगी और आपका जो पैदावार पिछले साल के मुकाबले डबल निकल कर आने वाला किसान, और आपकी टेलरिंग होगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी, आपका खेत एकदम भर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत ही जबरदस्त निकल करके आएगी। तो इस तरीके से एनपीके 1919 का प्रयोग करिए। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो हमारे युवा किसान भाई हैं उन तक हमारी बातें पहुंच सकें और वो अपनी धान की फसल से अच्छा फ़ायदा ले सके।